Hey, this is Jyoti Agrawal presenting you yet another solution video from Essential ICSC Mathematics from Class 8 by Edas Gupta and A. Kumar. और आज हम इसका टॉपिक नंबर्स फर्स्ट यूनिट रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करने वाले हैं. और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द प्लेलिस्ट व्हिच आई हैव प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, आप वहां से डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. तो स्टार्टिंग विद द रैशनल नंबर्स, बेसिकली रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब बेसिकली फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख सकते हैं. P एंड Q आर आइदर इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं. तो स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज, और जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते जाएंगे बाकी की डिटेलिंग मैं आपको बताती जाऊंगी, और जहां जहां फॉर्मुलेज यूज होंगे वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी. स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, एड ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर. तो यहां पर आपको एडिशन करके बताना है. सो फर्स्ट पार्ट इज माइनस वन अपॉन थ्री एंड टू अपॉन थ्री. तो सबसे पहले हमको एडिशन करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन थ्री. तो आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो एलसीएम भी थ्री आ जाएगा. सो इट विल बी माइनस वन प्लस टू, एंड वी कैन सी हियर एक प्लस का है और एक माइनस का है. सो जब भी आप अपोजिट साइन को ऐड करते हैं इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, और जो नंबर बड़ा होता है उसी का ही साइन हम लगा देते हैं. जैसे कि माइनस वन प्लस टू इज गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड, सो वील गेट वन. और वन पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव, इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव बिकॉज टू इज ग्रेटर देन वन, तो इसका साइन पॉजिटिव है, सो वील गेट वन बाय थ्री. आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड. Next is 2 upon 5 and minus 3 upon 5. So we can write this as 2 upon 5 plus minus 3 upon 5. Taking the LCM as 5, we can write this as 2 plus minus 3. Okay, always use the bracket. We don't write two signs together. दोनों साइन हम कभी भी साथ नहीं लिखते हैं, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन में हो, चाहे डिविजन में हो, चाहे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो. सो दिस इज गोइंग टू बिकम 2. Plus minus is always minus, so we'll get 3 here, 5. Now you can see 2 minus 3 is 1 and 3 is greater, which is negative, so we'll get the answer as minus 1 upon 5 as the answer. Next is minus 7 by 11 and minus 4 by 11. So taking the LCM as 11, we'll get minus 7 plus minus 4. So minus 7 minus plus is going to be minus 4 by 11. Now you can see the same sign, same S-A-M-E, same sign. So we are going to add. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ जूनियर क्लासेस में, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ. सो सेम साइन मीन्स एडिशन. ओके, तो सेम साइन है, 7 प्लस 4 इज गोइंग टू बी 11 एंड दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव डिवाइडेड बाय, सॉरी डिनोमिनेटर में हमें 11 लिखना है. सो 11 इज गोइंग टू बी कैंसल्ड वन टाइम, सो 11 वन्स आर एंड 11 वन्स आर, सो वील गेट हियर माइनस वन इज द आंसर. नेक्स्ट इज माइनस 13 बाय 17 एंड 4 बाय 17. सो वील राइट हियर 13 बाय 17 प्लस 4 बाय 17. सो टेकिंग द एलसीएम एज 17, माइनस 13 प्लस 4, वील गेट minus 9 by 17. So this is the answer. Next is 11 by 25 and minus 7 by 25. So we can write this as 11 upon 25 plus minus 7 upon 25. So taking the LCM as 25, we can write 11 plus minus 7. So this becomes 25. 11 plus minus is minus 7. And 11 minus 7 is 4 and upon mein aa jayega 25. Similarly, minus 8 upon 9 and minus 19 by 9. So we can write minus 8 upon 9 plus minus 19 on 9. Taking 9 as the LCM, we'll write minus 8 plus minus 19. So it is minus 8 plus minus is minus 19 by 9. So on addition, we'll get minus
27 ऑन 9 और 9 में ये कैंसिल हो जाएगा 27 थ्री टाइम्स, 9 थ्री इज अ 27, सो इट इज -3 एज दी आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, एड. तो यहां पर आपको एडिशन परफॉर्म करना है बट आपके डिनोमिनेटर्स यहां डिफरेंट हैं. तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट 2/3 एंड 3/5 एज 2/3 प्लस 3/5. नाउ वी आर गोइंग टू टेक द एलसीएम फॉर 3 एंड 5, सो 3 वन्स आर and 5 ones are. So LCM is going to be 3 into 5, that is 15. So here we are going to get 15. 3 mein ye 5 times cancel ho jayega. So 2 into 5 plus 3 ke saath hum 5 mein ye kitni baar multiply hoga? 5 mein 3 times. 5 threes are is 15. So ye 3 se multiply ho jayega. So we'll get here 10 plus 9/15, which is 19/15 as the answer. Similarly, -2/5 and 5/7. So we can write this as -2/5 plus 5/7, taking the LCM of 5 and 7. 5 ones are and 7 ones are. So LCM is going to be 5 into 7, that is 35. Now taking the LCM as 35 in the denominator, 5 mein ye 7 times cancel ho jayega. So -2/7 plus 5 into 7 mein ye 5 times cancel ho jayega. So we'll have 5 here. So -14 plus 5 5 is 25 divided by 35. So we'll get here 11/35 as the answer. नेक्स्ट इज 3/-8 एंड -5/12. सो यहां पर आप एक चीज याद रखेंगे, चाहे नेगेटिव साइन नीचे हो और चाहे ऊपर हो, हम नेगेटिव साइन ऊपर ही अज्यूम करते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बिकम -3/8 प्लस -5/12. डिनोमिनेटर कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हमेशा हम इसको ऊपर ही शिफ्ट कर देते हैं. ओके, सो टेकिंग द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, 2 4s are, 2 6s are, 2 2s are and 2 3s are, again 2 1s are and 3 1s are. So we'll have 2 into 2 into 2 into 3, that is 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 3s are is 24 as the LCM. So we'll write 24 in the LCM. 8 mein ye 3 times chala jayega, so -3 into 3 प्लस -5 इंटू 12 में टू टाइम्स कैंसिल होगा, सो वील गेट -9 प्लस माइनस इज माइनस एंड 5 टूज इज 10 डिवाइडेड बाय 24, सो वील गेट -19/24 एज द आंसर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज -7/26 एंड -5/39. तो पहले हम यहां पर 26 और 39 का एलसीएम ले लेते हैं, 26 एंड 39. सो ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 टूज एंड 13 थ्रीज, 2 वन्स एंड अगेन 3 वन्स. सो इट इज गोइंग टू बी 13 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 78. सो एलसीएम आ गया है हमारे पास इसका 78. सो वी कैन राइट दिस एज -7/26 प्लस -5/39. इसका एलसीएम हमने लिया है 78, 26 में 78 थ्री टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी -7/3 प्लस -5/2, सो इट इज गोइंग टू बी -21/10 डिवाइडेड बाय 78, सो इट इज गोइंग टू बी -31/78. नेक्स्ट इज अ फिफ्थ पार्ट, 5/-24 एंड 7/36. तो जैसे कि मैंने बताया, नेगेटिव साइन हमेशा हम न्यूमरेटर में लेते हैं, डिनोमिनेटर में कोई नेगेटिव साइन हम अज्यूम नहीं करते हैं. सो वी री राइटिंग दिस एज -5/24 प्लस 7/36, टेकिंग द एलसीएम ऑफ 24 एंड 36. तो सबसे पहले हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 वन्स आर, 2 टूज आर, 2 1s are, 2 8s are, again 2 6s are 12, 2 9s are 18, then 3
2s are, 3 3s are, 2 1s are, and 3 1s are. So we'll get here 2 into 2 into 2 into 3 into 3 as the LCM. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 9s are 72 is going to be the LCM. So we can write this as 72 in the LCM. And 24 mein 72 kitne times jayega, it is going to be 3 times. So minus 5 into 3 plus 7 into, yahan par 36 hum dekh sakte hain, ye 72 mein 2 times chala jayega. So 7 into 2, so this is going to be minus 15 plus 14 divided by 72, so it's going to be minus 1 by 72. Similarly, 3 by 16 and minus 7 by 24, taking the LCM for 16 and 24, 2 8s are, 2 12s are, 2 4s are, 2 6s are, 2 2s are, 2 3s are, 2 1s are, and 3 1s are again. So we can write this as 2 into 2 into 2 into 2 into 3. So this is going to be 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are is 48. So LCM aa gaya hai 48, rewriting this as 3 upon 16 plus minus 7 by 24 aur iska LCM aa gaya 48. 16 mein 3 times cancel ho jayega, so 3 into 3 plus minus 7, 24 mein ye 2 times chala jayega, isko hum 2 se multiply kar denge. So this is going to be 3 3s are 9 minus 7 2s is 14 divided by 48, so this is going to be minus 5 by 48 as the answer. अब यहाँ पर 4 11 by 25 जो कि मिक्स फ्रैक्शन में है एंड 13 by माइनस 15, तो पहले इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कर लेते हैं. सो 4 इंटू 25 इज 100 एंड 100 प्लस 11 इट इज गोइंग टू बी 111 अपॉन 25 और ये प्लस होगा, दिस इज इन डिनोमिनेटर नेगेटिव साइन, सो विल शिफ्ट इट इन द न्यूमरेटर, सो इट बिकम्स माइनस 13 बाय 15. Now taking the LCM for 25 and 15, so 5 5s are and 5 3s are, 5 1s are and 3 1s are. So we'll get here 5 into 5 into 3, 5 5s are 25, 25 3s are is 75. So LCM is going to be 75, 25 may 3 times cancel ho jayega, so we'll have triple 3 and 15 may chala jayega 5 times, so 13 into 5 it is going to be 65 and 33 minus 65 it is 268 upon 75. Next is minus 2 and 1, 7 by 11. So we can write minus 2 as minus 2 by 1 plus 11 1s is 11 plus 7 is 18 on 11. और आप देख सकते हैं 1 और 11 का LCM तो 11 ही रहेगा. So 2 और 1 में ये चला जाएगा 11 times. So 11 into 2 is 22 plus 11 में ये 1 time ही जाएगा. So 18 into 1 is 8. So we'll have minus 4 by 11 as the answer. Next is minus 1 and 2, 3 by 5. So we can write minus 1 by 1 plus 5 2s are 10 plus 3 is 13 by 5. Taking LCM, so we'll have 1 and 5 as 5. Or 1 may 5 times cancel ho jayega, 5 into minus 1 is minus 5. 5 may 1 time cancel hoga, 1 into 13 is 13. So 13 minus 5 is going to be 8 upon 5 as the answer. Next is minus 7 by 8 and 0. So minus 7 by 8 plus 0. जब भी हम कोई number 0 से subtract करते हैं, add करते हैं, so it is going to be the same number. So minus 7 by 8 is the final answer. Next, question number 3. Verify the commutative law of addition for the following pairs of rational number. So commutative law state करता है कि अगर हम a upon b plus c upon d निकालते हैं, तो जो आंसर आएगा वो c अपॉन d प्लस a अपॉन b के इक्वल होगा. सो दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ. फर्स्ट पार्ट हियर इज माइनस 5 बाय 7 एंड 3 बाय 4. तो हम यहां प्रूव करेंगे दैट माइनस 5 बाय 7 प्लस 3 बाय 4 इज इक्वल टू 3 बाय 4 प्लस माइनस 5 बाय 7. तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं माइनस 5 बाय 7 प्लस 3 बाय 4. So, इसको जब हम सॉल्व करते हैं 7 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 28. 7 में ये 4 टाइम्स चला जाएगा, सो 4 5 जा इज 20 माइनस का प्लस 4 में ये 7 टाइम्स जाएगा, 7 3 जा इज 21. सो वी गेट दिस एज 1 अपॉन 28. ऑल्सो
इफ आई डू इट वाइस वर्सा, मतलब 3/4 प्लस -5/7, सो एलसीएम विल बी अगेन 28, एंड 4 में ये 7 टाइम्स जाएगा, 7 3 इज 21, एंड 4 में ये 5 टाइम्स जाएगा, दैट इज -20, सो इट इज गोइंग टू बी 1/28. हेंस वी कैन से दैट -5/7 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 3/4 प्लस -5/7. हेंस प्रूफ्ड. नेक्स्ट पार्ट इज सेकेंड, 1/3 एंड -2/5. सो वील बी सॉल्विंग -1/3 प्लस -2/5. टेकिंग द एलसीएम इट विल बी 15. 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15, एंड 3 में ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 5 × -1 इज -5, एंड प्लस माइनस इज गोइंग टू बी माइनस, एंड 5 में 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 = 6. सो -5 एंड -6 इज -11/15. And also we can solve -2/5 plus -1/3. So LCM is again 15, and 5 may 3 times cancel ho jayega. So 3 × 2 = 6. So -6 plus minus is minus, and 3 may 5 times cancel ho jayega, and 5 × 1 = 5. So it is going to be -11/15 again. So hence we can say that -1/3 प्लस -2/5 इज इक्वल टू -2/5 प्लस -1/3. हेंस इट फॉलोज ही कम्यूटेटिव लॉ. सिमिलरली 4/-7 एंड -2/21. सो वी कैन राइट दिस एज -4/7 प्लस -2/21. सो यहां पर जब हम एलसीएम लेंगे इट इज गोइंग टू बी 21. सो 7 में ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सो 3 × 4 = 12, विच इज नेगेटिव, प्लस माइनस इज माइनस. 21 में ये 1 टाइम जाएगा, सो 1 × 2 = 2, सो इट इज गोइंग टू बी -14/21, विच कैन बी कैंसल्ड बाय 7. 7 × 2 = 7 and 7 × 3 = 3, सो वी कैन राइट दिस एज -2/3. ऑल्सो if I do it vice versa, that is -2/21 plus -4/7. So LCM is going to be 21. So we can write this as -2 plus minus is -12. So it is -14/21. ये भी 7 से cancel हो जाएगा. So it is -2/3. Hence we can say that -4/7 plus -2/21 is equal to -2/21. प्लस -4/7. सिमिलरली फोर्थ पार्ट, 5 एंड -3/5. सो वी कैन राइट 5/1 प्लस -3/5. एलसीएम इज गोइंग टू बी 5. सो 1 में ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 = 25, प्लस माइनस इज माइनस. 5 में ये 1 टाइम्स जाएगा, सो 3 × 1 = 3. सो इट इज गोइंग टू बी 22/3. ऑल्सो if I do it vice versa, that is -3/5 plus 5/1, taking LCM as 5, so it is going to be -3 + 25, which is 22/5. Yahan par ye 5 hai. So hence we can say that 5 plus -3/5 is equal to -3/5 + 5. तो इस तरीके से ये आप कम्यूटेटिव लॉ प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रैशनल नंबर. सो यहां पर एसोसिएटिव लॉ होता क्या है? a अपॉन b अगर कोई फ्रैक्शन है, प्लस c अपॉन d प्लस e अपॉन f, अगर हम इस पार्ट को पहले सॉल्व कर देते हैं और फिर इसमें ऐड करते हैं, जो आंसर आएगा इन फर्स्ट टू को ऐड करके फिर इसमें ऐड करेंगे तो भी वही आंसर आएगा. हैंस दिस इज द एसोसिएटिव लॉ. लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर, 1/2, -2/3 एंड 1/5. तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 प्लस -2/3 प्लस 1/5. तो हम इसको इस तरीके से पहले सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो 1/2 प्लस, यहां पर एलसीएम आ जाएगा 15, एंड इट इज गोइंग टू बी -10 + 3. सो 1/2 प्लस माइनस इज -7/15. एलसीएम इज गोइंग टू बी अगेन 30. सो यहां पर आ जाएगा 15 - 14, विच इज इक्वल टू 1/30. सो अब हमको सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है, दैट इज 1/2 प्लस -2/3
प्लस 1/5. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. सो वील टेक द एलसीएम एज 6, सो इट इज गोइंग टू बी 3 माइनस 4 प्लस 1/5. सो इट इज माइनस 1/6 प्लस 1/5. टेकिंग द एलसीएम एज 30, सो 5 में ये माइनस 1 टाइम चला जाएगा और यहां पर ये 6 टाइम चला जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 1/30. सो हेंस वी कैन से दैट 1/2 प्लस माइनस 2/3 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस 2/3 प्लस 1/5. हेंस दिस इज द सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज माइनस 3/5, 7/10 एंड 4/15. सो वी कैन राइट माइनस 3/5 प्लस 7/10 प्लस 4/15. So taking the LCM as 10, so we have this as minus 6 plus 7 plus 4/15. So LCM is going to be 1/10 plus 4/15. LCM aa jayega iska 30. So this is going to be 3 plus 4 2s are 8. So it is 11/30. Next, minus 3/5 plus 7/10 प्लस 4/15. सो इट इज माइनस 3/5 प्लस यहां पर एलसीएम आ जाएगा 30. सो ये जाएगा 7 3 इज 21 प्लस 15 में 2 टाइम्स सो 8. सो इट इज माइनस 3/5 प्लस 29/30. टेकिंग द एलसीएम एज 30, 6 5 जा चला जाता है, सो 6 3 इज 18 प्लस 29. सो इट इज गोइंग टू बी 11/30. सो वी कैन प्रूव दैट माइनस 3/5 प्लस 7/10 प्लस 4/15 इज इक्वल टू माइनस 3/5 प्लस 7/10 प्लस 4/15. सो ये हमने प्रूव कर दिया, यहां लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड. नेक्स्ट पार्ट इज 3/-7 एंड 2/21 एंड -5/14. सो वी कैन सॉल्व -3/7. हमेशा हम न्यूमरेटर में माइनस साइन को शिफ्ट कर देते हैं. प्लस 2/21 प्लस -5/14. सो एलसीएम हो जाएगा 21. 7 में ये 3 टाइम्स, सो -9 प्लस 2 प्लस -5/14. सो इट इज गोइंग टू बी -7/21 प्लस -5/14. सो एलसीएम आ जाएगा यहां पर 42. सो ये चला जाएगा 2 टाइम्स, सो इट इज -14 माइनस प्लस माइनस इज माइनस और 14 में ये चला जाएगा 3 टाइम्स, सो 5 3 इज 15. सो इट इज गोइंग टू बी -29/42. नेक्स्ट इज -3/7 प्लस 2/21 प्लस -5/14. सो -3/7 प्लस एलसीएम आ जाएगा यहां पर 42. सो इट इज गोइंग टू बी 4 प्लस माइनस इज माइनस एंड 5 3 इज 15. सो इट इज गोइंग टू बी -3/7 प्लस माइनस यहां पर आ जाएगा -11/42. एंड टेकिंग द एलसीएम अगेन एज 42, 7 में ये चला जाएगा, 7 6 इज 42, सो 6 3 इज 18 प्लस माइनस इज माइनस 11. सो इट इज गोइंग टू बी -29/42. सो हेंस दिस इज बीन प्रूव्ड. सो यहां लिख सकते हैं -3/7 प्लस 2/21 प्लस -5/14 इज इक्वल टू -3/7 प्लस 2/21 प्लस -5/14. हेंस प्रूव्ड. नेक्स्ट है हमारे पास 1 5/-11 एंड 7/22. सो वी कैन राइट दिस एज 1 प्लस -5/11 प्लस 7/22. सो टेकिंग द एलसीएम एज 11, सो 11 1 इज 11, यहां पर हम 1 एज्यूम करेंगे, -5 प्लस 7/22. सो दिस इज गोइंग टू बी 6/11 प्लस 7/22. टेकिंग द एलसीएम एज 22, सो 2 6 इज 12 प्लस 7, that is 19/22. Similarly, we need to prove 1 plus -5/11 plus 7/22, that is 1 plus, yahan LCM aa jayega 22, so 5 2 is 10
plus 7, so 1 minus 3 by 22, taking the LCM as 22. So we can write this as 22 plus minus is minus 3, that is 19 by 22. So आप देख सकते हैं ये दोनों ही सेम है. सो वी कैन राइट 1 प्लस माइनस 5 बाय 11 प्लस 7 बाय 22 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 5 बाय 11 प्लस 7 बाय 22, हेंस प्रूव्ड. सो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ हमने प्रूव कर दिया है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल्स. तो यहां पर आपको एडिटिव इनवर्स बताना है. एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको एड करने पर आपका सम जीरो आ जाए. तो जीरो में हम कुछ भी नंबर एड नहीं कर सकते हैं. जीरो में हम जीरो ही एड करेंगे तो आंसर हमारा जीरो आएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी जीरो. जैसे कि 1 में हम अगर माइनस 1 करते हैं वी गेट द 0. सो वी राइट द एडिटिव इनवर्स इज माइनस 1. सिमिलरली फॉर माइनस 5 एडिटिव इनवर्स जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 5, बिकॉज माइनस 5 प्लस 5 इज गोइंग टू बी 0. तो हमेशा याद रखेंगे साइन हम चेंज कर देंगे. सो दैट इज गोइंग टू गिव यू द एडिटिव इनवर्स. सिमिलरली यहां पर माइनस 3 बाय 4 है. सो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 3 बाय 4, पॉजिटिव 3 बाय 4. दिस इज 2 अपॉन माइनस 9. सो वी कैन राइट दिस एज माइनस 2 अपॉन 9. सो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 9. निगेटिव है तो हम इस नंबर को पॉजिटिव कर देंगे. सो माइनस 7 बाय माइनस 15, जब भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस 1 माइनस साइन गिवन होता है तो इस माइनस साइन को हम हटा देते हैं. सो इट बिकम 7 बाय 15. सो एडिटिव इनवर्स जो होगा यहां पर सो इट इज गोइंग टू बी निगेटिव ऑफ 7 बाय 15. पॉजिटिव था तो यहां हमने निगेटिव कर दिया. सिमिलरली माइनस 13 बाय 2 का, सिमिलरली माइनस 13 बाय 2 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 13 बाय 2. माइनस 25 बाय माइनस 133, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल कर सकते हैं हम. इसको हम 25 बाय 133 लिख सकते हैं. सो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा दैट इज गोइंग टू बी माइनस 25 बाय 133. पॉजिटिव का हमने नेगेटिव कर दिया है. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 बाय माइनस 27 को माइनस 13 बाय 27. मैंने बताया है नेगेटिव साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है. तो यहां पर इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, ये नंबर नेगेटिव है सो इट इज गोइंग टू बी बिकम पॉजिटिव. सो इट इज 13 बाय 27 एज द एडिटिव इनवर्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सम्स. सो यहां पर एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी से मतलब है आप सबसे पहले देखेंगे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर किसके सेम है. डिनोमिनेटर देखेंगे कि किसके सिमिलर है. सो विल कंबाइन 5 बाय 7 प्लस माइनस 3 बाय 7 इन वन ब्रैकेट प्लस माइनस 7 बाय 3 प्लस 11 बाय 3 in one bracket. Now we can take the LCM as 7, so we'll have 5 plus minus is minus 3 plus taking the LCM as 3, so it will be minus 7 plus 11, so 2 by 7 plus 4 by 3. Now it is easy for you to solve. Now taking the LCM as 21, so it is 6 plus 7 4 is 28, so 34 by 21 is the answer. तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. 4 बाय 5 प्लस 3 बाय 10 प्लस 11 बाय 5 प्लस माइनस 13 बाय 10. सो वील कंबाइन 4 बाय 5 प्लस 11 बाय 5 इन वन ब्रैकेट 3 बाय 10 प्लस माइनस 13 बाय 10 इन अनदर, टेकिंग द एलसीएम एज 5, सो 4 प्लस 11 प्लस टेकिंग द एलसीएम एज 10, सो 3 प्लस माइनस इज माइनस 13. So 4 plus 11 is going to be 15 by 5 plus minus 10 by 10. So ye chala jayega 5 threes are 10 ones are. So this becomes 3 plus
minus 1, so 3 plus minus is minus, so it is 2 as the answer. Similarly, 2 by 3 plus minus 11 by 8 plus minus 17 by 3 plus 3 by 8. So taking 2 by 3 plus minus 17 by 3 in one bracket and minus 11 by 8 and 3 by 8 in another. So taking the 3 as the LCM, so 2 plus minus is minus 17 plus taking the LCM as 8, so it is minus 11 plus 3. So we can write this as 2 minus 17 as minus 15 by 3, and this is going to become plus minus 11, में से 3 जाएगा तो यहां बचेगा हमारे पास 8 by 8. Okay, so this can be cancelled by 1. So we can write minus 15 by 3 plus minus is minus 1, taking the 3 as the LCM. So minus 15 minus 3, यहां पर हम 1 नीचे लिख सकते हैं. So this is going to become minus 18 by 3. So 3 6, so it is minus 6 as the answer. Similarly, 7 by 8 plus 3 by 10 plus minus 5 by 8 plus minus 7 by 20. So we'll combine 7 by 8 plus minus 5 by 8 in one bracket and 3 by 10 plus minus 7 by 20 in another. So taking the LCM as 8, this becomes 7 plus minus is minus 5 plus, yahan par LCM aa jayega 20. So 10 may 2 times is 6 plus minus is minus 7. So we can write 2 by 8 plus minus 1 by 20. So now LCM aa jayega ab hamare paas 40. So 8 may 5 times cancel ho jayega. So this is going to be 10 plus minus is minus, 20 may 2 times chala jayega, so it is going to be 2. So it 8 upon 40, so 1 by 5 is the answer. So is tarike se humko ye solve karna hai. Similarly, the next question number 7, minus 2 by 15 plus minus 3 by 19 is equal to minus 3 by 19 plus minus 2 by 15. अभी हमने previous question किया था commutative law and associative law. So ये commutative law के through ये दोनों ही equal होते हैं. Similarly, so 23 by 12 plus 7 by 5 is equal to 7 by 5 plus 23 by 12. This is also from the commutative law. Similarly, 1 by 2 plus 3 by 5 plus minus 7 by 9 is equal to 1 by 2 plus 3 by 5 plus minus 7 by 9. This is through associative law. Similarly, minus 5 by 11 plus minus 7 by 13 plus 25 by 29 is equal to minus 5 by 11 plus minus 7 by 13 plus 25 by 29. So, ye bhi associative law ke through humne find kar diya. Similarly, minus 3 plus minus 5 by 23 plus 7 by 31 is equal to minus 3 plus minus 5 by 23 plus 7 by 31. So, इस तरीके से यहाँ पर आप associative and commutative law लगा कर ये fill up the blanks solve कर सकते हैं. Next is question number 8. Subtract 1 by 3 from 2 by 5. From है, तो मतलब 2 by 5 में से हम minus करेंगे 1 by 3. So, LCM is going to be 15. So, this is 2 3s are 6 minus 5 1s are 5. So, it is 1 by 15 as the answer. Similarly, minus 7 by 8 from 1 by 2. So we can write 1 by 2 minus of minus 7 by 8. So LCM is going to be 8. 2 may 4 times cancel ho jayega. So 4 1s is 4. Minus minus is going to be plus. 8 may 1 times jayega. 7 1s is 7. So it is going to be 11 by 8 as the answer. Similarly, minus 11 by 13 from minus 2 by 3. So we can write minus 2 by 3 minus of minus 11 by 13. So taking the LCM, we'll have this as 39. So 3 may 13 times cancel ho jayega. 13 2s is 26. Minus minus is going to be plus. 13 may 3 times cancel ho jayega. 33 times. So minus 26 plus 33 is going to be 7 by 39 as the answer. Next is minus 13 by 11 from minus 1. So minus 1 में से हम minus करेंगे minus 13 by 11. So इसको हम 1 upon में लिख लेते हैं. 11 is going to be the LCM. So it is going to be minus 11. Minus minus is going to be plus 13. So it is
2 by 11. Next is minus 15 by 17 from 1. So we can write 1 minus of minus 15 by 17, taking 1 in the denominator. So it is going to be 17. So it is 17 minus minus plus 15. So 7 plus 5 is 12 plus, ye ho jayega 32 by 17. Next is 12 by 19 from minus 2. So we can write minus 2 minus of 12 by 19, taking the LCM as 19 minus 2 into 19 is 38 minus 12. So it is going to be minus 50 by 19. Next is minus 19 by 31 from 0. So we can write 0 minus of minus 19 by 31. So 0 minus minus is going to be plus 90 by 31. So answer is going to be 19 by 31, because kisi bhi number mein hum 0 add karte, it gives the same number. Next is minus 5 from minus 2 by 3. So minus 2 by 3 minus of minus 5. So minus 2 by 3 ka LCM aa jayega 3. So minus 2 minus minus is going to be plus. Yahan par hum 1 likhenge, so it is going to be 15 here. So minus 2 plus 15 is going to be 13 by 3. Next is 7 from minus 7 by 17. So we can write minus 7 upon 17 minus of minus 7. Isko 1 hum likh lete hain, 17 hum LCM le lete hain. So minus 7 minus 119. और जब हम इसको ऐड करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी 126 नेगेटिव में बाय 17. नेक्स्ट इज माइनस 9 बाय 8 फ्रॉम माइनस 13 बाय 7. सो यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस 13 बाय 7 माइनस ऑफ माइनस 9 बाय 8. सो एलसीएम आ जाएगा 7 8 जा 56 और माइनस 104 माइनस माइनस इज गोइंग टू बी प्लस एंड 97 जा इज 63. सो ऑन सब्ट्रैक्शन यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्शन होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव 41 डिवाइडेड बाय 56. हेंस दिस इज द सॉल्यूशन. नेक्स्ट आपको ये वेरीफाई करके बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट. 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 इज नॉट इक्वल टू 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 3. इन शॉर्ट, इट डू नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ फॉर सब्ट्रैक्शन. ओके, सो टेकिंग LHS फर्स्ट, LHS है 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4. तो यहाँ LCM आ जाएगा 12. सो इट इज 4 माइनस 3. सो इट इज 1 बाय 12. नाउ टेकिंग RHS, सो 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 3, हमने LCM लिया 12. सो इट इज 3 माइनस 4, इट इज गोइंग टू बी माइनस 1 बाय 12. हेंस वी कैन से दैट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. Similarly, minus 2 by 7 minus 3 by 5 is not equal to 3 by 5 minus of minus 2 by 7. So taking LHS, we can write minus 2 by 7 minus 3 by 5. Taking the LCM as 35, it is going to be minus 10 minus 21. So it is going to be minus 31 by 35 for LHS. Similarly, taking RHS, 3 by 5 minus of minus 2 by 7. Taking the LCM as 35, 7 3s are is 21, minus minus is plus, 5 2s are 10. So it is 31 by 35. So ek positive, ek negative hai, that means LHS is not equal to RHS. Similarly, 1 by 2 minus 1 by 3 minus 1 by 5 is not equal to 1 by 2 minus 1 by 3 minus 1 by 5. So taking LHS first, so 1 by 2 minus of 1 by 3 minus 1 by 5. तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं. टेकिंग LCM as 15, सो इट इज 5 माइनस 3, सो 1 बाय 2 माइनस 2 बाय 15. नाउ टेकिंग द LCM फॉर दिस as 30, सो इट इज 15 माइनस 4, सो इट इज 11 बाय 30 फॉर LHS. सिमिलरली टेकिंग RHS, इट इज 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 5, इसका एलसीएम आ जाएगा 6. सो 3 माइनस 2 माइनस 1 बाय 5, वी गेट 1 बाय 6 माइनस 1 बाय 5. सो इट इज गोइंग टू बी 30. सो यहां पर यह आ जाएगा 5 माइनस 6 एज माइनस 1 बाय 30. सो वी कैन सी हियर दैट इट डू नॉट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. सिमिलरली 5 by 11 minus of minus 2 by 3 minus 5 by 7 is not equal to 5 by 11 minus of minus 2 by 3 minus 5 by 7.
So taking the LHS part, 5 by 11 minus of minus 2 by 3 minus 5 by 7. So taking the LCM, 5 by 11 minus of, taking LCM as 21 minus 14 minus 5 threes are is 15. So 5 by 11 minus of, यहाँ पर आ जाएगा minus 29 by 21. So here we get the LCM as 231. So 21 into 5 is going to be 105. Minus minus is going to be plus 319 here. So on addition, 5 plus 9 is 14. 1 carry 2. So it is 424 upon 231. Now taking the RHS, it is 5 by 11 minus of minus 2 by 3. Minus 5 by 7, taking the LCM as 33, so yahan aa jayega 15, minus minus is plus 22, minus 5 by 7, so this becomes 37 by 33 minus 5 by 7. LCM is going to be 231, or 7s are 49, 9, 4, 7 threes are 21. 259 minus 5 threes are 15, 5 threes are 15, 165. So 294 by 231. Hence we can say that LHS is not equal to RHS. Next is question number 10. A part, the sum of two rational numbers is minus 3 by 4. If one of the rational number is minus 28 by 3, find the other. So hum yahan par likh lete hain, let the other number b x, और हमको sum given है minus 3 by 4 and one number is minus 28 by 3, मतलब x plus minus 28 by 3 is equal to minus 3 by 4. So here we can write x, और ये यहाँ पर माइनस 28 बाय 3 हो जाएगा माइनस 3 बाय 4. एज वी हैव स्टडीड इन दी जूनियर क्लासेस ट्रांसपोजिशन, तो जब हम इसको ले जाएंगे इस साइड में तो हम एडिटिव इनवर्स ले लेंगे. सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 4 प्लस 28 बाय 3. सो एलसीएम इज गोइंग टू बी 12, सो इट इज माइनस 9 प्लस 112. So 9 plus 112, it is going to be 103 by 12. So hence the other number is 103 by 12. Similarly, the B part, the sum of two rational number is minus 3. If one of the rational number is 7 by 8, find the other. So yahan hum assume kar lete hain, let the other number be x and one number is 7 by 8 and sum is minus 3. So x plus 7 by 8 is equal to minus 3. So x will be equal to minus 3, or iska additive inverse ho jayega minus 7 by 8. Yahan par hum 1 assume kar lete hain, so ye ho jayega 8 LCM mein. 8 threes are is 24 minus 7, so it is going to be minus 31 by 8. Hence, the other number is minus 31 by 8. Next is, what should be added to minus 11 by 4 to get minus 25 by 14? So let x be added. So यहां पर हम minus 11 by 4 में x add करेंगे, so get 25 by 14. So x को हम as it is यहीं छोड़ देते हैं, so minus 25 by 14, इसका additive inverse हो जाएगा plus 11 by 4. So LCM is going to be 28, ये चला जाएगा 2 times, so it is minus 50 plus ये चला जाएगा 7 times, so it is 77. So hence we'll have 27 by 28 as x. So therefore, 27 by 28 must
be added. Similarly, what number should be added to minus 2 to get minus 5 by 8? So let x be added. So x mein add kiya humne, sorry, minus 2 mein humne add kiya x to get minus 5 by 8. So x will be equal to minus 5 by 8 plus 2. Taking the LCM as 8, yahan par hum 1 assume kar lete hain. So minus 5 plus 2, 8 is 16. So it is 11 by 8 as the answer. So the number is 11 by 8. Next is question number 12, A part. What should be subtracted from this to get minus 5 by 12? So let x be subtracted from है, मतलब इसमें से subtract करना है, तो 7 by 8 में से हम x subtract करेंगे, so minus 5 by 12 आ जाएगा. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको हम x लिख लेते हैं, इसको हम इधर ले गए, और इसका हम additive inverse निकाल देते हैं, मतलब 7 by 8 plus 5 by 12. I have shifted this over here because ये negative है, और इसको हम इस side इसलिए ले गए, because हमको numbers एक side लिखने हैं. So LCM is 24 and 8 threes are chala jayega, so minus 21 aur ye chala jayega 2 times, so it is 10. So minus 11 by 24 must be subtracted. Therefore minus 11 by 24 must be subtracted. Next is, what number should be subtracted from 1 to get minus 7 by 17? So let x be subtracted. Okay, so हमने 1 में से x subtract किया, we get minus 7 by 17. Again same, x will be equal to 1 plus 7 by 17. Taking the LCM as 17, so 17 plus 7, it is going to be 24 by 17. Hence 24 by 17 must be subtracted. Next is question number 13. Identify the true statements only. The sum of two rational number is a rational number. Yes, agar hum do rational numbers ko add karte hain, we get the rational number. This is true, so we can write here true. The difference of the two rational number is not always a rational number. This is wrong. It's always a rational number, so this is false. Zero is not a rational number. The zero bhi rational number hai, so the statement is also false. Addition is commutative on rational number. Yes, commutative law of addition hi hota hai, subtraction follow nahi hota. Ye humne abhi question solve kiye the, so this is true. Subtraction is commutative on rational number. Ye bhi hum solve kar chuke hain, so this is false. Addition is associative on rational number. Yes, this is true. Subtraction is associative on rational number. No, this is not true. Zero is additive inverse of itself. Yes, this is true. Additive inverse of zero hamesha zero hi hota hai. Ye abhi humne jab fill up the blanks kiye the usme bhi tha. Next is, zero is additive identity for rational numbers. Yes, this is true. Next is, one is additive inverse of minus one. Yes, this is true. Hence, these are the solution. I hope आपको मेरे solution video जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी doubt या query है, तो आप मेरे channel के comment section में या फिर मेरे telegram group जिसकी link मैंने description box में mention की है, वहां से आप directly मुझसे connect कर सकते हैं. और अगर आपने कोई भी previous video miss कर दिया है, तो उसके लिए playlist provide की है description box में. Please do have a look. At last, please do share my videos with your family and friends.